रहा ना तो दूसरे स्टेप पर आप जा पाओ। अगर सीढ़ी में जिसमें पहली बार पैर रखने पे अगर वो मजबूत नहीं रहा तो वो टूट जाएगा, आप ऊपर। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? बचपन में साइकिल चलाते थे, आपको याद है डंडे वाला साइकिल होता था, कभी कुछ सीट से खड़े होकर चलाते, वो अचानक पैडल लीक हो जाता था, फटाक से लगते थे हम लोग, याद है आपको? ध्यान चलाइए आप लोगों ने साइकिल। तो मैं नहीं चाहता कुत्ते फेल हो आपके। बात समझ में आ गई होगी आपको, मैं जहां तक पहुंच रहा। देसी आदमी सारा देसी उदाहरण नहीं देगा तो लंडन से तो आएगा नहीं आपको समझाने के लिए। या तो बराबर किसी लंडन अंग्रेज कांग्रेस को अपने तर्क समझाए, हम तो वो तर्क समझाएंगे जो आपको समझ में आएंगे। संदीप तेरे कुत्ते फेल नहीं होंगे, ये तो लगती बहुत तेज है भाई। तो आवाज बोल रहे अधिक पांच मिनट हो इन्होंने चलाई आपको समझ में आए काम हो जाते। चलो वापिस आते हैं सर, कितने लोग का लिस्ट बनाया हम लोगों ने? 500 और पहले 50। कौन है ये? चूहा, मेंढक, गिलहरी। जो लेडी आ रही है वो गिलहरी हो सकती है। हमारे मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इतना इमोशनल ही होना, किसी ने क्या होगा मेरा। मैंने देखा कभी 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 गेस्ट को सीनियर प्लान दिखा रहा होता है और गेस्ट कहता है मुझे नहीं करना, तो जिसका गेस्ट होता है वो तो हार्ट अटैक ही हो जाता है कि हाय मैं इतनी दूर से लाई थी इसको, इतनी दूर से लाए थे, इतनी मुश्किल से टाइम दिया, मैं जुड़ क्यों नहीं रहा। तो उसका चेहरा ऐसा होता है मतलब उसको देखो तो वो रो पड़े, उसको अगर प्यार से हाथ लगा दो भाई तो रो ही जाए, इतना टेंशन हो जाती है। आप लोगों के पास किसी के पास ब्लेड है क्या? मैंने पिछली बार सिखाया था ब्लेड है, वी हैव ब्लेड विद यू, कोई ऐसा काम करता हुआ है? सीजर ब्लेड है रुपए नारायण कुमार शर्मा जी कैची बोला है, वो जरूरी है आपको बताना है सर, क्योंकि ये जो पहला कदम है ना, पहला कदम नेटवर्क मार्केटिंग में, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहला कदम है, पहला कदम समझते हैं आप? ये जो पहला कदम है ना, 80% लोग इस पहले कदम में ही। तो मैं चाहता हूं कि पहला कदम सॉलिड होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। पहले 50 लोग आपको क्या करने वाले, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, क्या करने वाले हैं आपको? क्या देने वाले हैं आपको? गाली, आपका रेप करने वाले हैं, कपड़े उतारेंगे, चड्डी उतार देंगे सब आपकी। मैं बता रहा हूँ आपको, नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी इसीलिए 8-10 चड्डी पहन के घूमता है, उसको पता है सारा 5-6 तो उतारी जाएंगे, कैसा भी हो एक रह जाती है उसके बाद। तो आपकी उतरेगी सर, तैयार हो? आसान लगा के घुमा करो। 50, फर्स्ट 50 आप मान के चलना, दे विल ऑलवेज से नो टू यू। अगर 50 में कोई कन्वर्जन हो रही है तो ये आपके लिए बोनस हो सकता है, ये आपके लिए आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं जन्म के, लेकिन पहले 50 आपको मेरे हिसाब से माना करना चाहिए। सफलता इतनी आसानी से मिलने की रहना जाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायमंड है, डायमंड जो डायमंड होते हैं ना सर, आपको जान के हैरानी होगी संदीप, कि पूरी दुनिया में सबसे पहले डायमंड की खोज भारत में हुई। इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन हु डिस्कवर डायमंड फर्स्ट, एंड नेस्ले इज द फर्स्ट कंपनी हु डिस्कवर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डायमंड्स। फर्स्ट 50 विल से नो, जोर से बोलो ना, नो। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लोग मायूस हो जाते हैं ना, किसी ने मना कर दिया, ओ तेरी मेरे तो ट्राइपॉड लगा था इससे तो मुझे साले ने मना कर दिया। मुझे आज भी याद है, मैं इसलिए आपको बातें बता रहा हूँ क्योंकि पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप मजबूती से रखा ना तो दूसरा स्टेप आसान हो जाए। शादी हो गया सर हमारा नया नया, और मैं इस बिजनेस में आया 14 सितंबर 2005 को, 15 जनवरी 2006 को मैं कैप लिमिट पर था, इस बिजनेस के आने के 4 महीने के बाद। After 4 months, I was on cap limit. तब 1,00,000 रुपए का cap होता था हफ्ते, तो मैं 4 लाख का महीना कमाना शुरू हो गया। और जब पैसा आता है तो सिक्योरिटी नहीं, अनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। लोगों को लगता है पैसा आने के बाद सिक्योर हो जाते हैं लोग, नहीं नहीं, पैसा आने के बाद इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो मेरा शादी हो गया, रात को नींद खुल गया मेरा 1-1.5 बजे के आसपास, तो मेरी वाइफ सॉरी थी मेरे साथ, बोली
सोके नहीं रहे रात को 1-1:30 बजे, नींद क्यों नहीं आ रही, तो मैं करवट बदल रहा था, तकिया पीछे लगा कि मैं बैठ गया, तो मेरी वाइफ ने बोला स्वाति ने कि तुम क्या हो गया, तुम सो क्यों नहीं रहे, मैंने कहा यार टेंशन हो, उसने बोला तो टेंशन के दिन खत्म हो गया, अब तो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, 4 लाख रुपए तुम महीना कमाते हो, अब तो अच्छा दिन है, अब क्या टेंशन हो रही है। मैंने कहा अगर सारे जुड़ गए इस कंपनी में तो फिर तुम्हें पैसे नहीं आए, पैसे तब तक आ रहे हैं जब तक लोग जुड़ रहे हैं, अगर एक दिन सारे जुड़े रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे जुड़े जाएंगे, फिर तो हमको पैसे नहीं, तो टेंशन हो रही है, बोला ये क्या नॉनसेंस है यार, सो जाओ आराम से। अरे मैंने कैश हो जाए 4 लाख रुपए बड़े मुश्किल से आने शुरू हुए, बंद हो गए तो सारे जुड़ जाएंगे एक दिन, तो जिस स्पीड से हम भाग रहे, बात निकल गई। सुबह 8 बजे का मेरा प्रेजेंटेशन था, हमारे घर के सामने एक मिस्टर सुनील कपूर रहते थे, निकने उनको हम टीटू भैया बुलाते थे, तो मेरा प्रेजेंटेशन था सुबह 8 बजे, उनके घर अपॉइंटमेंट था कि मैं सुबह 8 बजे आपको प्रेजेंट प्लान दिखाने आऊंगा, तो मैंने उनको 8 बजे प्रेजेंटेशन दिखाया, 8:15 बजे तक, 8:20 तक वो खत्म हो गया। जैसे मैंने खत्म किया उन्होंने मुझे बोला बेकार काम है नहीं करना, भाग यहां से, काम है सुबह 8 बजे उठाया तुमने, तो जैसे उन्होंने मुझे बोला भाग यहां से, मैंने उनका हाथ पकड़ा देखो ऐसे, और भगवान कसम हाथ को चूम लिया, मैंने बोला मैं मना कर रहा हूँ तुझे, समय नहीं सुना नहीं दिया, मैंने कहा इसीलिए चूमा, तुमने बोला क्यों, मैंने कहा जब तक तुम जैसे हैं मुझे 4 लाख आते रहेंगे, लोगों में मायूसी हो जाती है किसी की मना करने के बावजूद, दोस्त कोई आदमी मना कर जाए ना तो उसकी मना को हंसते हंसते टाल देना, किसने बोला मुझे नहीं करना, बोला हाथ मिला कोई दिक्कत नहीं है, चल फिर कभी मिलेंगे, छोड़ के आ जाओ, आपका क्या होता है कर लो ना भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है यार, कितने काम किए यार, जब तुम 5,000 देते बाकी बाद में देते, 2,000 देते, 1,500 कुछ दे, फॉर्म भर, अच्छा फॉर्म भर, वो कह रहा मैं कल बताऊंगा, नहीं फॉर्म तो भर दे, मतलब वो साला मना कर रहा है और तुम उसके कुत्ते की तरह जीभ बाहर करके पीछे पड़ गए, करते हैं आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बड़े आए बड़े चले गए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेकर स्टॉक एटलीस्ट 500 पीपल, आज जाइए घर डायरी लीजिए सुंदर सी, वापस समाप्त करते हैं सारी बातों को ताकि अगले टॉपिक पे पहुंच सके, मेकर लिस्ट ऑफ 500 पीपल, नहाइए धोइए बिस्तर पे बैठिए फर्स्ट क्लास, कूलर पंखा एसी चलाइए, दरवाजा बंद करिए कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, अच्छा सा पहन लीजिए और 5 लोगों का लिस्ट बनाइए, नाम मोबाइल नंबर ऑक्यूपेशन, आपके पास लिस्ट होता होगा आपके सीनियर ने आपको दिया होगा फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट में एटलीस्ट आप 5 लोगों का नाम लिख डालिए, दिमाग में कहीं 3 घंटे बैठी 4 घंटे बैठी, रात को 12-1 बजे जब उठिए निकली वहां से तो आपके पास 500 रुपए का रॉ मटेरियल, समझ में आया, ये टूल है जो आपको खुद तैयार करना है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, लिस्ट में कौन नाम होने चाहिए सर आपने पूछा था, तो मैं बोलता हूँ वो नाम होने चाहिए जिनको पैसे का जरूरत, उस आदमी का नाम मत लिखना जिसको पैसे का जरूरत नहीं, सबको जरूरत है सभी का नाम लिखता है, लिस्ट बनाते वक्त थॉट प्रोसेस में मत लाना कि ये करेगा ये नहीं करेगा, तो मैं इसका नाम लिखूं मैं इसका नाम ना लिखूं, कभी कभी दिमाग में रहता है ना, लिस्ट बनाते वक्त नाम लिख रहा आदमी सुरेश मेहता, अरे यार ये नहीं करेगा है ना, इसका नाम नहीं लिखता, ऐसा होता है, आपका लिस्ट बना रहे हैं आपके दिमाग में आया विनय भाटिया ये नहीं करेगा साहब, फिर नाम में आया शीला ये भी नहीं करेगी, मतलब आप बनाते हैं ऐसे लिस्ट, ऐसे बनाते हैं लोग बात, मैं बता रहा हूं लिस्ट बनाते वक्त कोई भी आदमी ज्योतिषी मत बनो, किसी के माथे पे नहीं लिखा वो करेगा या नहीं। और हैरानी की बात है इस बिजनेस का षड्यंत्र ये है कि सारा जिसके बारे में आप सोचते हैं करेगा वो नहीं करता, जिसके बारे में सोचते हैं वो नहीं करेगा वो करेगा, आप सबके बारे में मुझे पता था आप नहीं करने वाले, लेकिन सारे कर गए, मैं गारंटी प्रदान कर सकता हूँ आपके अपलाइन को पता था कि ये धंधा नहीं करने वाला, वो ला रहा था वैसे आप, लेकिन आप फंस गए, लिस्ट बनाते वक्त कोई भी ज्योतिषी मत बना दोस्त, जिसका नाम दिमाग में आया है सोचते जाओ लिखते जाओ सोचते जाओ
स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, ऑफिस के कलीग, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त, रिश्तेदार, स्विमिंग करते तो स्विमिंग करते वक्त तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाते तो वहां के लोग, अपने इन-लॉज, अपने साला जीजा उधर के लोग, माता जी के, मामा जी के लोग, चाचा जी के लोग, चाचा जी के दोस्त, पिताजी के दोस्त, जितना दिमाग में ला सकते हो, जहां जहां तक दूर जा सकते हो, आंखें बंद करके वहां तक जाओ। आंखें बंद करके बहुत कुछ दिखाई देता है, मैंने आपको बताया। आंखें बंद करो, सोचो मेरे चाचा जी के कौन कौन से दोस्त घूमने आते हैं, उनसे पूछो। मेरे वाइफ के कौन कौन से दोस्त हैं, मेरे साले के कौन कौन से दोस्त हैं, मेरे जो ससुर हैं उनके कौन से दोस्त हैं, मेरी जो सास हैं वो कहाँ काम करती हैं। दिमाग लगाओ, लिस्ट कितनी चाहिए, बुलेट जहां से मर्जी मिल जाए खरीद लो, क्योंकि लड़ाई लंबी होने वाली है। मेक अ लॉन्ग लिस्ट, एटलीस्ट 500। 1000 कर दो मुझे खुशी है, 2000 कर दोगे तो मजा आ जाएगा। लिस्ट बन गया, वेपन तैयार हो गया, हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इट। लेकिन यूज करने से पहले बीच में एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं इनविटेशन। लोगों को आता ही नहीं है करना, सारी बातें ठीक होती है, लोग बोलते हैं यार हम बुलाएं कैसे, हम किसी को बोलते हैं तो वो आता ही। हाउ टू इनवाइट, सिखाया नहीं किसी ने, ढंग से सिखाया नहीं, ढंग से सीखे नहीं, या सिखाया तो आपको समझ में नहीं आया। आज हम सीखेंगे इनविटेशन करने के तीन तरीके, थ्री वेज टू इनवाइट पीपल। देयर आर थ्री वेज टू इनवाइट पीपल, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। ए बी एंड एक ही टेप रिकॉर्डर हर किसी पे नहीं बजाना। देयर आर थ्री वेज टू इनवाइट, एक बज गया नहीं तो समय का, तो इसका मतलब समय अच्छा जा, जिस समय का पता ना चले वो गर्लफ्रेंड साथ सुबह 9 बजे बैठे थे शाम 6 हो गई पता ही नहीं चला, इसका मतलब समय आपने उंगली तवे के ऊपर रखी 1 सेकंड में पता चलता बहुत देर हो गई, इसका मतलब बुरा समय है, जिस समय का पता ना चले इसका मतलब वो अच्छा है। तो वी विल लर्न हाउ टू इनवाइट। अभी लिस्ट वाला टॉपिक मेरा बीच में छोड़ रखा मैंने, वापस पहुंचूंगा उसके ऊपर। हाउ टू इनवाइट, आपने 500 का लिस्ट बना लिया, अब इनके साथ क्या करना है, ठीक है। दो तरह के लोग हैं जिनको आप इनवाइट करेंगे, एक आपसे उम्र में बड़े, एक आपसे उम्र में कम, ठीक है सर। एक आपसे उम्र में बड़े, एक आपसे उम्र में कम। जो उम्र में बड़े हैं ये इनका इन्विटेशन नंबर सी है, उम्र से बड़े। ये हम सी में सीखेंगे कैसे इनवाइट करते हैं, पहले मैं ए और बी सिखाता हूं। उम्र में छोटे, आप उम्र में छोटे जो है उनको इनवाइट करने के मेरे पास दो तरीके हैं अभी आपको सिखाने के लिए। पहला तरीका, स्क्रिप्ट लिखिए आप, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे से भी ले लीजिए, है ना। स्क्रिप्ट लिखिए, याद करिए, हर किसी के पास एक जैसी स्क्रिप्ट होगी तो अच्छा रहेगा। नहीं गाना बढ़िया बजता है, सारे एक ही सुर में गा रहे हो, नहीं ढोला अलग बज रही हो, तबला अलग, हारमोनियम अलग, सारा गाने का सत्यानाश हो जाए। खराब एक ही सुर में बजाए, एक ही सुर में गाए तो गाना हिट हो सकता है। सबसे पहला आपने फोन किया इनवाइट करने के लिए, सुरेश क्या हाल है, जो भी आपका दोस्त है या दोस्त है, लड़की है या जेंट्स है, जो भी आपका दोस्त है, रिलेटिव है, सुरेश कैसा है, ठीक हूं। मैंने एक टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट किया, लिखिएगा दोस्त, लिखो हिंदी में, मैंने एक टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट किया है। ये इनविटेशन है जो इस बिजनेस की सबसे प्रमुख सीढ़ी नंबर 2 है, ये इनविटेशन है जो इस बिजनेस की सबसे प्रमुख सीढ़ी नंबर 2 है। सुरेश मैंने टूरिज्म का, हाथ से बोलिए मेरे एक बार सारे लोग, मैंने टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट किया है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रिपीट करेंगे सारे, अभी तक हमने क्या बोला, यस सर, सारे बोलिए प्लीज। सुरेश क्या हाल है, मैंने अपने बड़े ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड, मैं तेरे साथ बैठ के इसको 2 घंटे डिस्कस करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बैठ के इसको 2 घंटे डिस्कस करना चाहता हूं या चाहती हूं।
मैं तेरे साथ बैठ के इसको दो घंटे बैठ के डिस्कस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तू और मैं मिलकर शानदार काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तू और मैं मिलकर शानदार काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि तू और मैं मिलकर शानदार काम कर सकते हैं। मिल सकता है कि कल, आप उससे पूछने वाले नहीं है कि तू कब मिल सकता है, आप उससे बता रहे हैं पूछने के अंदाज में कि आज मिल सकता है कि कल। रिपीट करें हम पूरा का पूरा सेंटेंस, एक दो तीन एक साथ। काउंटर हो सकता है, कुछ काउंटर हो सकता है, क्या है तू पहले मुझे बता दे, MLM तो नहीं है, नेटवर्किंग तो नहीं है, जोड़ने का काम तो नहीं है, पैसे कितने लगाने हैं तू मुझे फोन पे बता दे, मैं समझ जाऊंगा, है ना? ऐसा काउंटर आपको, कुछ भी काउंटर हो, मतलब वहां से कुछ भी काउंटर हो, कुछ भी काउंटर हो, कुछ भी काउंटर हो, कुछ भी बोले, एक ही जवाब, फोन पे नहीं बता सकते। कुछ भी काउंटर हो, MLM तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, पैसे कितने लगाने हैं तू मुझे फोन बता दे, मुझे सब पता है आजकल क्या चल रहा है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, आपका हर बातों का एक ही रामबाण है कि मैं तुझे फोन पे नहीं बताता। इसी के साथ एक लाइन और जोड़ेंगे आप कि जो तू सोच सकता है वो ये काम नहीं, जो तू सोच सकता है वो ये काम नहीं। जो तू सोच सकता है वो ये काम नहीं। बात समझ आई आपको? आपको इनविटेशन का स्टैंजा पैराग्राफ क्लियर हुआ? हमने इसमें उसको तीन चार बातों के लिए हिट किया है। पहला, हमने उसको बता दिया है कि टूरिज्म का, हमने उसको दूसरा ये बताया है ताकि उसको ऑथेंटिक लगे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्विटेशन के लिए, ये गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट, राइट? एक और लाइन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि तू और मैं मिलकर इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है सर इस इनोवेशन की, मुझे लगता है कि तू और मैं मिलकर इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। सर बैठ के दो घंटे डिस्कस करना है, आज मिल सकता है कि जब आपको मिलना हो दो ऑप्शन उसको आप दे दीजिए। आप मत पूछिए कि तू बता कब मिलेगा, ये हरामखोर कभी नहीं मिलेगा। ये इतना बिजी है विदाउट वर्क, ये आपको लटक आएगा। आप उससे पूछिए तो आज मिल सकता है कि, यानी आपको जो दो दिन अपने लिए अच्छे लग रहे हैं वो दो दिन दे, कि मंगल मिल सकता है कि वीर, जो आपको दो दिन अपने लिए सूट कर रहा है। हमने इसको ऑप्शन लेना नहीं है, ऑप्शन देना है। हमने ऑप्शन लेना नहीं है, तू पता कब मिलेगा यार, तू तो बड़ा बिजी है मुझे पता है, तू प्लीज आधे घंटे के लिए आ जा, मेरे पे एहसान कर दे। मतलब आपकी इनविटेशन में रिक्वेस्टिंग मोड टोन नहीं होना चाहिए, आपका इनविटेशन रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्रधानमंत्री को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री का नौकरी नहीं करनी है, प्रधानमंत्री को मैसेज करवाना है। तो इनविटेशन हमारा सॉलिड होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इनविटेशन समझ में आ गया? वो पूछ रहा है कि MLM तो नहीं है, नेटवर्किंग तो नहीं है, मेंबर तो नहीं बनाने, पैसे तो नहीं लगाने, तू मुझे कुछ तो बता दे, इतनी दूर क्यों बुला रहा है, मैं समझ जाऊंगा। होता क्या है, जब पांच सात चीजें आपको पूछी जाती है ना, तो आप जिस स्पीड से आगे गए हो तो इन्विटेशन में, उसी स्पीड से इन्विटेशन पीछे हो जाते हो। वो बेटे इसको सब पता है, वो तेरी इसको तो पता है साले को। अच्छा वो एक और भाई बोल रहा है, नेशविस तो नहीं है, आपको तो बारे में जाते हैं, बंदा गया।